नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए जो है हाई क्वालिटी स्टॉक लेकर के आता हूँ, जो कि फ्यूचर में जो है आपको हाई ग्रोथ जो है दे सकते हैं आपके पोर्टफोलियो को, और मल्टी बैगर रिटर्न जो है ये स्टॉक बना सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम ऐसे ही एक शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है। कंपनी की बात करें तो इसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टर में FII में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आती है, मतलब कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो जो है माइक्रोसॉफ्ट ने भी कर रखा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कितनी बड़ी, कितनी जो है ये कंपनी जो है सॉलिड है। और इसके रिटर्न की बात भी करें कि कितने जो है परसेंट के रिटर्न बना करके दिए हैं अब तक। तो कंपनी की बात करें दोस्तों, बात कर रहे हैं एफल इंडिया की, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट का इस कंपनी का बिजनेस है, और कुछ दूसरे भी बिजनेस है IT सेक्टर के। तो मुझे लगता है ये कंपनी जो है अच्छे खासे जो है रिटर्न बना करके देगी लॉन्ग टर्म में। अभी तक की बात करें तो 3-4 साल में जो इसने 600% के रिटर्न बना करके दिए हैं, ठीक है, लिस्टिंग के टाइम से लेकर के अब तक। और दूसरी बात करें तो इस कंपनी का जो है जो बिजनेस है एडवर्टाइजमेंट का, तो इंडिया का 70% जो बिजनेस है मोबाइल ऐप एडवर्टाइजमेंट का, वो इकलौती इस कंपनी के पास है, एफल इंडिया के पास। और दूसरी बात करें तो 30% जो बिजनेस रहता है उसमें फेसबुक आता है, और दूसरी जो कंपनी आती है वो गूगल। और तो मतलब कि इंडिया का 75 एडवर्टाइजमेंट बिजनेस एफल इंडिया के पास है, ठीक है, 70%, और 30% जो बिजनेस है वो फेसबुक और गूगल के पास है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त, यहाँ से कहीं ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न बना करके दे सकते हैं। क्वालिटी की बात करें कि क्वालिटी क्या है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ज़बरदस्त है, 45% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो मुझे लगता है यहाँ से जो है ये शेयर जो इतने ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है, तो यहाँ से और भी अच्छे जो है रिटर्न बना करके देगी। जैसा कि ये स्टॉक 1200 के आसपास आ चुका है, तो 1500 के आसपास का जो है टॉप लगाया था, तो अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल रहे हैं। आप जो है फिलहाल के प्राइस पे इसको जो है बाय कर सकते हो, ठीक है। और यदि बात करें क्वालिटी की, तो जो कंपनी जो है क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दे रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट 3 साल के 50% के रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसके अलावा नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये जो शेयर है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, और ये जो कंपनी है डिविडेंट नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी ख़राब है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो आपके प्रॉफिट को ग्रो कर रही है, या जो है ये डिविडेंट को जो है दूसरे प्लांट में या दूसरे प्रोजेक्ट में जो है इस्तेमाल या यूटिलाइज कर रही हो, जिससे आपको फ्यूचर में जो है अच्छी ग्रोथ मिल सकती है अगर आप इन्वेस्टर हो तो। और इसके बात करें कि इसके रिजल्ट कैसे आ रहे, तो मैं वो रिजल्ट की तरफ मैं एक बार लेकर के चलता हूँ। 2018 से 2021 की बात करेंगे तो इसके सेल्स में देखोगे तो लगातार जो है सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक भी बार जो है इसके गिरावट में सेल्स नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। 2018 में 167 करोड़ का जो है नेट सेल हुआ, फिर 249, फिर 334, और 2021 लास्ट साल की बात करें तो 517 करोड़ की जो है नेट सेल हुई, ठीक है। तो ज़बरदस्त सेल है और बढ़ भी रही इसकी सेल, ठीक है। तो इसी के साथ यदि नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2018 के जो प्रॉफिट हुए 28 करोड़ के, फिर 49 करोड़, फिर 66 करोड़, फिर 135, लगभग जो है प्रॉफिट में भी ग्रोथ है और सेल में भी, ठीक है। तो ज़बरदस्त ग्रोथ है, ऐसी बात नहीं है कि रिटर्न काफ़ी कम है। तो रिटर्न के मुकाबले में आप देखिएगा इतने गजब के, लगभग डबल के आसपास जो है ये आपके जो है पैसों को कर रही है सालाना, ठीक है। मैं लेकर के चलूँगा, रिटर्न भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब लेकर के चलता हूँ मैं कंपाउंडिंग की तरफ, कंपाउंडिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि ये न्यू लिस्टेड कंपनी है तो 1 साल का ही जो है रिटर्न CAGR दिखा रहा है 14% के आसपास का, ठीक है। और यदि बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी मैं एक बार लेकर के चलता हूँ। रिजर्व जो है इस कंपनी के पास 1000 करोड़ के जो है रिजर्व है, और कर्ज जो है सिर्फ 164 करोड़ का है। तो ये कंपनी जो है 1009 करोड़ में से कभी भी जो है पैसे चुका करके 164 करोड़ का जो कर्ज है वो जीरो कर सकती है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लगभग 60% की शेयर होल्डिंग है कंपनी के पास, प्रमोटर के पास। FII के पास जो 15% की इन्वेस्टिंग है जो है होल्डिंग है, और DII की 6% की होल्डिंग है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है 18% के आसपास की है। तो मुझे लगता है ये कंपनी आपको जो है ज़बरदस्त जो है अच्छे खासे रिटर्न आपको बना करके देगी अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो। और यदि रिटर्न की बात करें तो मैं एफएल इंडिया के रिटर्न की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ। देख लेते हैं कि एक दिन से लेकर के लाइफ टाइम के इसके क्या रिटर्न है। तो एक दिन में जो है कंपनी 0.40% के जो है नेगेटिव रिटर्न दे रही है। 5 दिन की अगर बात करें तो 2% के नेगेटिव रिटर्न दे रही है,
और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में बता दूं 0.025% के जो है पॉजिटिव रिटर्न है, और 6 महीने की अगर बात करें तो 6 महीने में अच्छे खासे रिटर्न बना कर के दिए हैं। कुछ कंपनियां जो है एक साल में जो रिटर्न बनाती है 17% के, वो इसने जो है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में जो है बना ली है। और यदि बात करें हाई लेवल की तो 1500 के आसपास जो है ये स्टॉक गया था, उसके बाद लगातार गिरावट पे मिला है, तो मुझे लगता है यहाँ से जो है अच्छी रिकवरी देगा ये स्टॉक। और एक साल की बात करें कितने रिटर्न दिए एक साल में, तो लगभग 13% के आसपास रिटर्न दिए, 13% के आसपास के रिटर्न दिए। और 5 साल की बात करें जब से इसके लिस्टिंग हुए तब से लेकर के अब तक के, तो बता दूं इस कंपनी ने जो है 624% के रिटर्न बना करके दिए हैं। मतलब कि आपने 100 रुपये इस कंपनी में लगाए हुए होते तो ये कंपनी जो है 700 रुपये बना देती है। मतलब कि 600% का प्रॉफिट, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये की इन्वेस्टिंग और जो है 600 रुपये का प्रॉफिट, टोटल अमाउंट जो होगी वो होगी 700 रुपये, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितने ज़बरदस्त जो है ये रिटर्न दे रही है। और रिटर्न की बात करें तो 2019 से लेकर के 2022 के रिटर्न है, ये 3 साल के आसपास के रिटर्न है। 3 साल में जो है इस कंपनी ने लगभग 624% के रिटर्न बना करके दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये कंपनी हाई रिटर्न देगी मुझे ऐसा लगता है, और मुझे मेरी जो इन्वेस्टिंग है वो अच्छी खासी इस स्टॉक में। तो आप भी जो है इसके फाइनेंशियल रिजल्ट और दूसरे कुछ फैक्टर चेक करके, स्टडी करके डीपली, उसके बाद जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कंपनी में फ्यूचर में कि कोई मतलब कि ये स्टॉक नीचे गिरे। तो मुझे लगता है मल्टीबैगर रिटर्न देगा ये स्टॉक, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी खुद की रिसर्च और स्टडी के बाद। तो ये सिर्फ था उन दोस्तों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक उनको मिले, तो एफएल इंडिया जो है हाई रिटर्न आपको बना करके दे सकता है, इसके साथ आप जा सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने बेल का आइकॉन ऑन नहीं किया तो उस पर ओके कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको पहले से सबसे पहले मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।